दोस्तों, आज मैं अपलाइन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपलाइन कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, एक अच्छी अपलाइन कैसे बनते हैं, अपलाइन के बिना काम कैसे करें, ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं AR खान स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल AR इन्फो वर्ल्ड पे। अगर अब तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपलाइन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं और लोगों के प्रॉब्लम भी अपलाइन से ही रहते हैं। बहुत जगह एक अपलाइन के द्वारा बहुत कुछ करने के बावजूद घिला शिकवा अपलाइन से ही रहते हैं और ज़्यादातर लोग बिजनेस छोड़ते हैं अपलाइन के ही वजह से, और लोग इस बिजनेस में जुड़े भी रहते हैं अपलाइन के ही वजह से। कंपनी तो बाद में आते हैं, एक अपलाइन हर एक डाउनलाइन की उम्मीद है। एक अच्छी अपलाइन बनने से पहले एक अच्छी डाउनलाइन बने पहले। डाउनलाइन रहते वक्त जैसी अपलाइन आपको अच्छे लगते थे वैसे ही अपलाइन बनने की कोशिश कीजिए। अपलाइन मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा जिन्होंने ये सिस्टम आपसे पहले देखा है। इस सिस्टम में उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एक अपलाइन ने नेटवर्क मार्केटिंग के अच्छे बुरे दिन आपसे ज़्यादा देखा है। इसी एक्सपीरियंस से चलते आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में न्यू एंट्रीज के लिए एक अपलाइन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अपलाइन ही आपको सिखाएंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अपलाइन से ही मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम की हल भी अपलाइन ही बताएंगे। असल में एक अपलाइन आपको नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता दिखाते हैं। आपके लिए फॉर्म भी भरते हैं, आपके लिए फीस भी भरते हैं, आपके कस्टमर्स को भी मिलते हैं, कभी कभार आपके एब्सेंस में भी आपके कस्टमर्स को मिलते हैं, आपकी एक अच्छी टीम बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं, आपके लिए ढेर सारे खर्चा भी करते हैं। इतना कुछ करने के बाद हमारे जो इनकम होते हैं इसके लिए एक बार शुक्रिया भी अदा नहीं करते हैं हम लोग। हम ये सोचते हैं कि अपलाइन की भी तो इनकम हुए है। हाँ, जरूर हुआ है, पर आपसे बहुत कम, आपके इनकम के 5 या 10%। बात यह अपलाइन की इनकम की नहीं, आपकी इनकम के लिए, आपकी अर्निंग के लिए, आपकी तरक्की के लिए किसी और बिजनेस या जॉब में क्या है कोई आपके लिए इतना कुछ करने के लिए? कहीं पे भी नहीं होगा, बल्कि आपकी फैमिली से भी नहीं होगा। ऐसी सीनियर्स सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलेंगे जो सिर्फ आपकी अर्निंग और आपकी तरक्की के लिए ही काम करेंगे। एक अपलाइन हमारे लिए 100 काम करते हैं, हम पे खर्चा भी करते हैं, फिर भी कभी अगर कुछ टाइम पे होता नहीं या तो किसी गलती पे हम बातें भी बहुत सुनाते हैं, यानी कि हमारे फेलियर की भी जिम्मेदारी उन पे ही सौंप देते हैं। दोस्तों, एक अच्छी अपलाइन बनने के लिए कुछ बातों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी एक बैलेंस टीम बनाने के लिए हर एक मेंबर के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। सबके बातों को सुनना होगा, सबको रेस्पॉन्स करना होगा। किसी भी प्रॉब्लम उसी टाइम उसी जगह पे सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए ताकि हर किसी का रेस्पेक्ट बरकरार रहे। किसी को भी किसी के सामने या पीछे नेग्लेक्ट मत कीजिए। हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बड़ी तंदुरुस्त स्वभाव में रहिए। हर किसी को आपका जोश, आपका जुनून देखना चाहिए। आपकी काम की स्पीड ऐसा होना चाहिए कि सभी आपको फॉलो करें। कंपनी को लेके, प्लान को लेके, प्रोडक्ट को लेके आपकी कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए। काम ऐसे करें कि सभी आपका सराहना करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहां अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिलते है, या तो अपलाइन काम छोड़ दिए है, अपलाइन के बिना कैसे काम करेंगे? दोस्तों, पहला बात तो ये है कि अभी भी हमारे देश में कोई अपलाइन ही किसी को इस बिजनेस के लिए कन्विंस करते हैं। बहुत कम लोग ही है जो अपने आप से ही इस बिजनेस से जुड़ते हैं। इसीलिए बिना अपलाइन के लोग इस बिजनेस में बहुत कम ही रहते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस के वजह से भी अपलाइन के बिना ही लोगों को काम करना पड़ता है। बिना अपलाइन के काम करने वाले लोग अक्सर यही सोचते हैं कि अगर अपलाइन होते तो परफॉर्मेंस शायद और भी अच्छे होते। यहाँ मैं यही कहूँगा कि आपकी बात भी सही है, पर आप जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट होंगे उतनी जल्दी कोई और हो नहीं सकेंगे। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको काम थोड़ी जल्दी शुरू करना होगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा काम करना होगा।
बिना अपलाइन के काम करने वाले लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। दोस्तों, इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताया जाएगा जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो आप बेल आइकॉन को दबा के रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद।